सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, हम पढ़ते आ रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को और इसमें हम पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं आपका। 2016 का 17 का हमने देख लिया पेपर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग आपके 2018 का जो पेपर हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा पूरे सॉल्यूशन को और बहुत ही अच्छे ढंग से मैं सारी चीजें एक्सप्लेन आपको करते चलूंगा। इससे पहले गणित विषय की पूरी क्लासेस और कंप्यूटर विषय की क्लासेस मैं ले चुका हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करा चुका हूं, तो सभी सब्जेक्ट इसी प्रकार आपको पढ़ाए गए हैं। सभी सब्जेक्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप सभी विषयों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 2018 में जो आपका पेपर आया था। देखिए यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है, सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं, नहीं प्रयोगशाला कहते हैं, नहीं संचार कहते हैं। तो यह सही है, कम्युनिकेशन संचार कहते हैं। सूचना को, इंफॉर्मेशन को स्थानांतरित करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संचार करना कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या दो है, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं सूचना स्रोत, प्रसारण या प्राप्ति। तो यहाँ पे सूचना स्रोत, सूचना का स्रोत भी संचार प्रक्रिया का तत्व है, प्रसारण भी और प्राप्ति भी, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या तीन है, सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव है किस सिस्टम में? सिंप्लेक्स में, हाफ डुप्लेक्स में या फुल डुप्लेक्स में? तो सूचना का प्रसारण और प्राप्ति एक साथ जहां पे संभव होता है उसे हम लोग कहते हैं फुल डुप्लेक्स। ठीक है, और सिंप्लेक्स में केवल एक डायरेक्शन में सूचना की प्राप्ति होती है और हाफ डुप्लेक्स में डायरेक्शन तो चेंज हो सकता है लेकिन एक समय पे एक ही सूचना या तो आएगी या तो जाएगी। ठीक है, और फुल डुप्लेक्स में सूचना का प्रसारण भी होता है, प्राप्ति भी होता है एक साथ एक टाइम पे। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसका फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल मैंने आपको बताया था क्या होता है, जैसे कॉलिंग, ये क्या है, जैसे फोन पे हम बात करते हैं तो हमारी बात जाती भी है और आती भी है, और रेडियो क्या है, रेडियो सिंप्लेक्स है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या चार है, प्रसार भारती का गठन कब हुआ? तो प्रसार भारती का गठन दोस्तों 23 नवंबर 1997 में हुआ था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या पांच है, एड्यूसैट का पूरा नाम है, एड्यूसैट, एडू मतलब एजुकेशनल और सैट मतलब सैटेलाइट, तो एजुकेशनल सैटेलाइट कहाँ पे आपको दिख रहा है? ऑप्शन सा में, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न है, बहुविकल्पी, पांचों प्रश्न हमने कर लिए। अब छठवां प्रश्न देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं? तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन होते हैं? देखिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधनों में रेडियो, टीवी, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, लैंडलाइन और मोबाइल दोनों ही, सैटेलाइट प्रणाली, कंप्यूटर, नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आदि, क्योंकि इन सभी का प्रयोग होता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में। ठीक है, तो ये सभी आते हैं, इनके अलावा इन प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई सेवाएं और उपकरण जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल और ब्लॉग्स आदि शामिल हैं। तो सूचना एवं संचारण प्रौद्योगिकी में सब कुछ कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, जितना भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, जितनी भी सेवाएं हैं, सारा कुछ आता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के। यह सब साधन हैं, इन्हीं के माध्यम से सूचना जो इंफॉर्मेशन होती है वह एक जगह से दूसरे जगह जाती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या सात है, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? प्रौद्योगिकी का मतलब होता है इंग्लिश में टेक्नोलॉजी या हिंदी में जिसे हम कहते हैं तकनीकी। तो प्रौद्योगिकी व्यवसायिक और औद्योगिक कलाओं और प्रयुक्त विज्ञानों से संबंधित अध्ययन या विज्ञान का समूह है। कई लोग तकनीकी और अभियांत्रिकी शब्द एक दूसरे के लिए प्रयुक्त करते हैं। जो लोग प्रौद्योगिकी को व्यवसाय रूप में अपनाते हैं उन्हें अभियंता कहा जाता है। अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर। आप समझ पा रहे होंगे कि प्रौद्योगिकी क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है। जितने भी विज्ञान के एप्लीकेशन हैं,
विज्ञान के जितने भी एप्लीकेशन हैं उन्हें हम जब व्यवहारिक रूप से प्रयोग करते हैं, मतलब अपने डे टू डे लाइफ में जब उसका सहयोग लेकर के हम अपने डे टू डे लाइफ को इजी बनाते हैं, तो वही होती हैं टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से अंग होते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में आपको मुख्यतः पता होता है कि हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, और हार्डवेयर में क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, सिस्टम यूनिट होता है। कंप्यूटर में दो तरीके की मेमोरी होती है, रैम होता है, रोम होता है, स्टोरेज यूनिट होता है, संचार, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। ठीक है, ये सारी चीजें, माउस होता है, प्रिंटर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होते हैं, कंप्यूटर के अंग होते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन आपको बहुत ही अच्छे से पता है। देखिए, सर्च इंजन एक ऐसी सर्विस है जिससे हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। सर्च इंजन एक वेब बेस्ड टूल सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को www वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी जानकारी को प्राप्त करने में सहायता करता है। सर्च इंजन जैसे कि इस समय सबसे फेमस जो है गूगल है, इस पे आप गूगल पे कुछ भी डालते हैं तो जो भी आप डालते हैं उससे जुड़ी हुई जानकारी गूगल क्या करता है, आपको दिखाता है। तो सर्च इंजन का यही काम है कि सर्च इंजन इंटरनेट से जुड़ी हुई एक सेवा है जिसपे आप जो भी खोजते हैं उससे जुड़ी हुई जानकारी, जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वह आपके सामने रखता है सर्च इंजन। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। तो शैक्षिक रेडियो क्या होता है ये देख लीजिए। पहली बार शैक्षिक पाठकों का प्रसारण ब्रिटेन में 1924 में आरंभ हुआ। रेडियो द्वारा नियमित रूप से विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। रेडियो द्वारा प्रसारित, इसको ही शैक्षिक रेडियो की संज्ञा दी जाती है। तो रेडियो के माध्यम से जो विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शैक्षिक रेडियो कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखिए प्रश्न संख्या 11 है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार का होता है। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अब ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होगा कि कई लोग इकट्ठे जुड़ेंगे और वह लोग एक दूसरे से अपनी बातों को साझा कर पाएंगे, मतलब इसमें आवाज साझा होती है, जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ यह आवाज साझा हो रही है। ठीक, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी कई सारे लोग जुड़े होते हैं, तो वहां पे आवाज के साथ साथ वह व्यक्ति भी दिखता है, उसकी वीडियो भी दिखती है और उसका चेहरा दिखता है, उसके चेहरे का हाव भाव दिखता है, सब कुछ दिखता है। तो इस वजह से दो तरीके की मुख्यतः टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होती है, ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ पे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं, अब हम देखेंगे आपके लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो लघुत्तरीय प्रश्नों में देखिए पहला प्रश्न है, सीडी रोम से क्या आशय है। सीडी रोम मैंने आपको पहले बताया कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। तो सीडी रोम का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यह द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। यह प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है जिसकी सतह पर प्रकाश परिवर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगी रहती है। डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसा आपने डीवीडी देखा होगा तो वही उसी का कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होता है, सीडी रोम होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, वेब पोर्टल क्या है। तो देखिए, पोर्टल इंटरनेट और विश्वव्यापी वेब के संदर्भ में जाल स्थलों वेबसाइट्स के समूह को कहा जाता है। पोर्टल का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवेश द्वार। वेब पोर्टल किसी भी प्रकार के एक्सेस गेटवे को संदर्भित करता है जो उपयोगकर्ता को वेब इंटरफेस का उपयोग करके व्यवसाय के बैक एंड क्लाउड सिस्टम में लॉगिन करने में सक्षम बनाता है। वेब पोर्टल का उपयोग अक्सर व्यावसायिक सेवाओं या संवेदनशील डेटा जैसे ग्राहक जानकारी तक पहुंचने के लिए किया जाता है। अब वेब पोर्टल में क्या होता है दोस्तों,
वेब पोर्टल में कई सारे पेजेस होते हैं और इसमें एक लॉगिन भी होता है, एक यूजर का लॉगिन होता है। अब उस जैसे वेबसाइट पे कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिन पे आप सभी जानकारी देखते जाते हो दिखती जाती हैं, ठीक। लेकिन वेब पोर्टल में क्या होता है, वेब पोर्टल में होता है लॉगिन। वहाँ लॉगिन जब आप करोगे उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आप अगर ऑथराइज्ड हो तभी आप उस पोर्टल को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो यही है, इसीलिए मुख्यतः इसका उपयोग जो होते हैं वह ऑफिशियल लोग ही करते हैं, ठीक। इसके बाद या फिर वेब पोर्टल जैसे जॉब्स के लिए भी वेब पोर्टल होता है तो वहां पे आप लोग अपनी प्रोफाइल बना देते हो और तरह तरह की चीजें एक्सेस कर पाते हो, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं, जैसे कोई फॉर्म आता है तो फिल कर पाते हो। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, डिजिटल प्रोजेक्ट विकास की आवश्यकता एवं महत्व को लिखिए। डिजिटल प्रोजेक्ट विकास की आवश्यकता एवं महत्व, देखिए डिजिटल प्रोजेक्ट की आवश्यकता एवं महत्व, इसमें पहला पॉइंट है डिजिटल प्रोजेक्ट के द्वारा छात्रों को विभिन्न प्रकार के डिजिटल प्रोजेक्ट संबंधी सॉफ्टवेयरों का ज्ञान हो जाता है। सर्वोत्तम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सर्वोत्तम प्रोजेक्ट का विकास करते हैं। अब डिजिटल प्रोजेक्ट जब भी बनाते हैं तो डिजिटल का मतलब आप समझ ही रहे हैं, डिजिटल जहाँ वर्ड आता है वहां आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से जब भी जो छात्र होते हैं प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं तो उन्हें नए सॉफ्टवेयरों का ज्ञान होता है और उससे वह बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट को बना पाते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए, डिजिटल प्रोजेक्ट के द्वारा छात्रों को प्रोजेक्ट में परिवर्तन करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती क्योंकि छात्र कंप्यूटर में लोड सॉफ्टवेयर की सहायता से रूप रंग एवं आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, इससे धन और समय की बचत होती है। डिजिटल प्रोजेक्ट इस वजह से ही मितव्ययी माना जाता है। अब डिजिटल प्रोजेक्ट में मान लेते हैं कहीं आपसे गलती भी हो जाती है या फिर आपको उसको और इम्प्रूव करना है तो आप बहुत ही आसानी से कर पाते हो और इसमें आपका कुछ खर्च नहीं लगता है क्योंकि सॉफ्टवेयर में पहले से लोड है आपका प्रोजेक्ट, वहां पे बस आपको इनपुट देके चेंजेस करने हैं और कुछ नहीं करना है, तो आपके धन और समय की बचत होती है, ठीक है। वहीं अगर आप फिजिकल कोई प्रोजेक्ट फिजिकली आप बना देते हो तो उसमें चेंजेस करने के लिए आपको तरह तरह की चीजें भी खरीदनी पड़ती हैं, लगानी पड़ती हैं, उसमें धन और समय अधिक लगता है, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है, डिजिटल प्रोजेक्ट के द्वारा समय की बचत होती है। तो बिल्कुल डिजिटल प्रोजेक्ट के द्वारा समय की बचत होती है। और चौथा पॉइंट देखिए, डिजिटल प्रोजेक्ट वास्तविक रूप से आकर्षक एवं प्रभावी होता है और यह जानकारी भी प्रदान करता है। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स में लिखिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है, ई पुस्तकालय का उपयोग स्पष्ट कीजिए। ई पुस्तकालय, पुस्तकालय आप जानते ही हैं लाइब्रेरी, और ई पुस्तकालय, ई वर्ड लग गया मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि फिजिकल बुक्स खत्म हो गई, इलेक्ट्रॉनिक बुक आ गई, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक बुक मतलब आपके मोबाइल कंप्यूटर या लैपटॉप में किताबें लोड होंगी। तो यहाँ पे देखिए ई पुस्तकालय, पुस्तकालय बौद्धिक एवं सामाजिक क्रियाओं की अभिवृद्धि का स्थान होता है, यहीं से बालक के अनुभवों का ज्ञान मानवीय रूप से बदलता है। ई लाइब्रेरी एक विशेष पुस्तकालय है जिससे डिजिटल वस्तुओं का एक संग्रह होता है। इसमें पाठ दृश्य सामग्री, ऑडियो सामग्री, वीडियो सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रारूप के रूप में संग्रहित प्रिंट, माइक्रोफॉर्म या अन्य मीडिया के विपरीत साधनों के साथ शामिल हो सकते हैं, ठीक है। अब इस लाइब्रेरी में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको जैसे ढेर सारे कंप्यूटर्स रहेंगे, ऑडियो वीडियो सामग्री उपलब्ध रहेगी आपको पढ़ने के लिए, मतलब आपको किताबें नहीं बल्कि उसके जगह पे ऑडियो या तो रहेगा या तो ऑडियो वीडियो सामग्री रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में या तो पीडीएफ के रूप में बुक्स रहेंगी। तो इस प्रकार से जो पुस्तकालय होता है उसे हम नाम से जानते हैं, ई पुस्तकालय के नाम से जानते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 है, ऑनलाइन परीक्षाओं के प्रमुख उद्देश्य को समझाइए। अब परीक्षाएं ऑनलाइन क्यों कराई जाती हैं, क्या उद्देश्य है? तो पहला उद्देश्य है कि सुरक्षा। अब ऑफलाइन में आप जानते हैं कि पेपर एक जगह से दूसरे जगह भेजना पड़ता है, पेपर सारे एक जगह छपते हैं, बाकी सब जिलों में जाते हैं, जिलों के मुख्यालयों से फिर जिलों के अंतिम छोर तक पहुंचते हैं, ठीक है। इस तरीके से सुरक्षा में कहीं ना कहीं सेध पहुंचती है, पेपर लीक की
संभावना रहती है कि पेपर लीक हो जाएगा। ठीक है, आजकल के टेक्नोलॉजी के युग में आप सभी को पता है कि पेपर किसी के भी हाथ लग गया तो जल्दी से ही वायरल हो जाता है। ठीक, तो सुरक्षा का कारण हो गया। दूसरा, कम लागत में पेपर तैयार हो जाता है, छपाई करने का पैसा जो हो जाता है वह बच जाता है। इसके बाद तीसरा है, प्रश्न पत्र बनाना भी आसान होता है। चौथा है, प्रवेश से जुड़े विश्लेषण। तो ऑनलाइन में आपको पता है कि बायोमेट्रिक का भी प्रयोग होता है, तो बहुत अच्छे तरीके से ढंग से जांच हो जाती है। ऑनलाइन कभी आपने एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बायोमेट्रिक के द्वारा भी आपकी जांच की जाती है कि जो परीक्षार्थी जिसने फॉर्म भरा था वही पेपर देने आया है या कोई अलग आया है। आसान संचार, संचार का माध्यम आसान हो जाता है, जल्दी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। प्रबंधन आसान होता है, मैनेजमेंट जो होता है वह आसान होता है। परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता नहीं होती है। परीक्षा का समय तय करना, तो परीक्षा के समय में भी आसानी होती है तय करने में। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, शिकायत पोर्टल पर टिप्पणी लिखिए। शिकायत पोर्टल पर टिप्पणी लिखना है तो देखिए, शिकायत पोर्टल यह भारत सरकार का लोक शिकायत पोर्टल है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उसकी शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच प्रदान करना है। यदि आपके पास देश के किसी भी सरकारी संगठन के खिलाफ कोई शिकायत है तो आप अपनी शिकायत यहां दर्ज कर सकते हैं, जो तत्काल निवारण के लिए संबंधित मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकार को जाएगी। ठीक है, तो सरकारी एक पोर्टल है जहाँ पे आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं किसी भी विभाग की। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, यूनिफॉर्म विषयक आंकड़ों हेतु डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता को लिखिए। यूनिफॉर्म विषयक आंकड़ों हेतु डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता बतानी है तो देखिए, यूनिफॉर्म आंकड़ों को डिजिटलीकरण की आवश्यकता निम्नलिखित है। यूनिफॉर्म पर विद्यालय प्रशासन द्वारा कितने धन का दुरुपयोग किया गया है, इसका ज्ञान अभिभावक को हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट है, देखिए आंकड़ों के डिजिटलाइजेशन से शैक्षिक सुविधाओं हेतु बजट बनाने के कार्य में सुविधा रहती है। यूनिफॉर्म वितरण में कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, इसका आसानी से ज्ञान हो जाता है। चौथा पॉइंट देखिए, यूनिफॉर्म संबंधी आंकड़ों से विद्यालय प्रशासन एवं अभिभावकों के मन में अपनी शंकाओं का समाधान प्रभावी रूप से किया जा सकता है। इन आंकड़ों से पारदर्शी योजना बनाई जा सकती है। आंकड़ों के डिजिटलाइजेशन से के माध्यम से यूनिफॉर्म वितरण की भावी योजनाएं बना सकते हैं। अब यूनिफॉर्म आंकड़ों के डिजिटलाइजेशन से क्या होता है कि आंकड़े जब भी आपके पास रहते हैं दोस्तों, वहां आंकड़ों से आपको डिसीजन लेने में हमेशा ही मदद मिलेगी। अभी आपको एक शहर का आंकड़ा दे दिया जाए कि इस शहर में इतने लोग रहते हैं, इतने पुरुष रहते हैं, इतनी महिलाएं रहती हैं, इतने बच्चे रहते हैं और इतने बच्चे पढ़ने जाते हैं, इतने बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, और आपको दे दिया जाए कि बाकी चीजें भी, मतलब परिवार के बारे में दे दिया जाए कि परिवार की इनकम इतनी है और क्या क्या समस्याएं हैं। ये सारी चीजें अगर आंकड़े आपको दे दिए जाएं तो उन आंकड़ों से आप निकाल लोगे कि कैसे हम और बच्चों को स्कूल तक ला सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें, कई सारी प्रॉब्लम्स का आप समाधान कर सकते हैं जब आपके पास आंकड़े होते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि आंकड़े अगर आपके पास हैं तो आपके लिए डिसीजन लेने में आसानी होती है, योजना बनाने में आसानी होती है। ठीक, इस प्रकार इस पेपर को हमने पूरा यहाँ पे हल कर लिया। उम्मीद है दोस्तों कि आपने भी बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा। कितना स्कोर किया आपने यह मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। 5 खास मित्रों में आपको इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल बेल आइकन होगा उस पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार जब भी मैं पेपर सॉल्व कराऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो भी महत्वपूर्ण वीडियो चैनल पे आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। ठीक है, और अन्य विषय भी इसी प्रकार से पढ़ा दिए गए हैं, पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं, तो सभी विषयों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अपनी तैयारी आप और बेहतर करना चाहते हैं, जो हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हमने आपको पढ़ाया है वह नोट्स आपको चाहिए, क्लासेस आपको चाहिए, बिना प्रचार के सभी चैप्टर्स के सभी विषयों के टेस्ट आपको चाहिए, मैराथन क्लास आपको चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप टारगेट यूपीटेट सीटेट पे देखने को मिल जाएंगी। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए आप, वहां पे थर्ड सेमेस्टर कोर्स
में इनरोल हो जाइए, आपको सभी चीजें बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवस्थित ढंग से वहां पर उपलब्ध करा दी गई हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।